कितना सुंदर कहा है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डाल लो। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, उसको शिव जी को समर्पित करना, शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। मात्र लगभग अगर सोमवार सोमवार कर रहे हो तो 11 सोमवार करो, प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। करिए। जैसे घुटने का रोग वाला व्यक्ति, ये जितनी माताएं ऊपर बैठी हैं, इनको घुटने में तकलीफ होगी इसलिए बैठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोले कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण, प्रैक्टिकल जरूर करो। और हम तो कहते हैं प्रैक्टिकल भी अगर काम नहीं चलता, एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, भैया शराब नहीं पीना चाहिए, गंदा नाली का पानी है, गटर में पड़ा हुआ पानी है, मत पियो, पीपी के बर्बाद हो जाओगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बेटा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और तू हमें ज्ञान दे रहा है। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी ने कहा, भैया दे, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मन तेरा तू कैसे समझेगा, या तो मुख से समझ जा या प्रैक्टिकल देख के समझ जा। तो आपसे निवेदन है प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करे भी करना है जरूर, ये भान होना चाहिए, कहीं हो सके सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए शिवरात्रि के दिन, मुख्य शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र, जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए, कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता जिंदगी भर। पर इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे घुटने चालू हो जाए तो तुम शॉपिंग मॉल में ही बैठी रहो। ईमानदारी की बात है, आज के जमाने में संतों ने रिसर्च करा है, क्या रिसर्च करा कि जितनी जितनी बूढ़ी बूढ़ी सासें हैं वो तो सब नरक जा रही हैं और बहुएं बेकुंठ जा रही हैं। तो सासों ने सोचा कि भाई हम नरक काय को जा रहे हैं, बहुएं काय को बेकुंठ, बहु तो घर में रहती है और हम तो इतनी कथा भागवत में जाए, हम तो इतनी कथा सुनते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, तो हमें बेकुंठ जाना चाहिए, तो बहु क्यों बेकुंठ जा रही है, हम नरक काय को जाए। तो संतों ने रिसर्च करा कि जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कथा में जाती हैं, इन सबको घर की याद बनी रहती है, मैं फ्रिज में दूध रख के आई, ना जाने क्या कर रही होगी, क्या पता, क्या मालूम क्या कर रही होगी, छोरा आया होगा, रोटी बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। और जितनी घर में बहुएं रहती हैं वो उनसे कोई भी पूछता कि मम्मी कहाँ गई, अरे सालसर भवन में शिव महापुराण की कथा चल रही है, अग्रवाल जी करा रहे हैं, अच्छा आज कथा का दूसरा दिन है, सीहोर वाला महाराज आया, उसे कथा ही कथा की बात बहू कर रही, और बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ बैठ के दूध और चाय को याद कर रहे। इसलिए भगवान ने कहा तू नरक वो स्वरक जा। इसलिए निवेदन है आपसे, मन चित वृत्ति बुद्धि सब शिव में लगा कर बैठो। हर हर, अरे हाथ तो उठाओ, दीन बंधु दयालु, अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे वो उठा लिया तो उठाओ जम के, हर हर, बहुत बढ़िया, अब नहीं उठाएगा वो तो हाजिरी भरता है। पहले के जमाने में आप लोगों को तो मालूम होगा, हम तो छोटे थे जब हाजिरी भरते थे, नाम आता था ना, जैसे आप लोग नाम, टीचर नाम बोलते कर लो, यस सर, बस उसी तरह शिव पुराण में हाजिरी भरते रहो, जब जैसी हाजिरी भरोगे भगवान समझेगा जे, नहीं तो भगवान तूने हाथ नहीं उठा भगवान समझे, निपट गई यमराज को बेटी ले जा, तो इसलिए हाजिरी भरते रहो।
हर हर महादेव। देव का मतलब है देव, हाथ ऊपर जाके ऐसा कर देकर देव, गाड़ी देव, बंगला देव, देव हर हर महादेव। देव प्रभु करुणा करिए, शिव कर, शिव दयाल, शिव जैसा कोई। अब ब्रह्मा जी के मुख का क्या बना दिया, बट का वृक्ष, शंकर जी की आराधना का केंद्र हो। शिव जी का एक नाम पड़ गया बटकेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। बटकेश्वर महादेव शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को जीवन में कोई चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी का कोई रोग हो गया हो, गाय की गोबरी, गोबरी जानते अलूनी गोबरी, अलूनी गोबरी का मतलब एक कंडा, अलग बात है, उसको थाप थाप के बनाते हैं गोबरी को। एक होती है गाय ने पोटा करा, पोटा करा वो सूख गया, ऐसे किसी सूखा सुखाया पोटा लेकर आओ, उसको कंडे को जलाओ, जलाकर उसकी राख तैयार करो, राख को सफेद रुमाल में रखकर सोमवार के दिन बिना किसी से बोले शंकर जी के मंदिर में जाकर उस राख को, उस भस्मी को शिव को समर्पित करो। चढ़ाने के बाद उस भस्मी को वापिस उतार लो, उतार कर जब हम स्नान करें 5 दिन लगातार उस भस्मी को पानी में डालकर स्नान करना चालू कर दो, चर्म का सारा रोग समाप्त हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती चर्म रोग से। भस्मी यहां कई माताएं जो लिंगायत संप्रदाय से हैं वो सिर पे भस्म धारण करती है, बस कई पुरुष लोग भस्म धारण करते। फिर वही बात आ गई, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव रोग से मुक्त आरोग्यता देते हैं, मेरे भगवान शंकर आरोग्यता प्रदान करते हैं रोग से मुक्ति। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, भगवान रोग से मुक्त कर। समय आया, आगे जो वर्णन आया भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का वृक्ष भगवान शिव के नयन अश्रु से प्रकट होता है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। गले में पहनते आप लोग धारण करते होंगे, कई लोग तुलसी की माला पहनते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला माला पहनते हैं। ध्यान दीजिए, ये तुलसी और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? जैसे घर में जो मंदिर बनाया जाता है घर के अंदर, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए। जिसके घर के मंदिर में शिखर होता है उसके घर में कभी जिंदगी में शांति नहीं रह सकती, इसलिए घर के मंदिर में शिखर का मूलता नहीं है। ये उसी तरह है जैसे गरुण घंटी, गरुण घंटी देखी है आपने, वो बजाते हो गरुण जी महाराज की घंटी, ये घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए? गरुण घंटी का नाद किया जाता है सबसे पहले भगवान के सम्मुख में, ठीक है। दूसरी जगह गरुण घंटी का नाद करना चाहिए फिर अपने रसोई घर में जहां पर परिंडा भरा है उस स्थान पर, पितरों की शांति के। तीसरी जगह जहां पर अपना लक्ष्मी रखते हो, अलमारी तिजोरी उसके पास में। चौथा घंटी का नाद करना चाहिए दरवाजे के पास में, दरवाजे के अंदर के भाग में। फिर पांचवा गरुण घंटी को घर के बाहर, घर से दरवाजा लांग कर बाहर खड़े होकर घंटी का नाद किया जाता है। कहते हैं जो ये 5 जगह पर घंटी का नाद करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, इतना गरुण घंटी के नाद की महत्वता है। पर दुनिया के लोग इतने आलसी हैं, बस भगवान की आरती करे तब घंटी बजाए, उसके सिवा धर दे होते तो मालूम ही नहीं कि घंटी कितनी जगह बजाना चाहिए, घंटी का नाद क्यों करा जाता है? गरुण घंटी को जैसे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली है तो
तो हमारे घर में रखा हुआ शंख अगर खाली रहेगा तो लक्ष्मी आएगी और जाएगी, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। इसलिए घर में जिसके घर में छोटा सा भी शंख हो तो उसमें कटोरी में रखकर या कोई स्थान पर कलश पे रखकर उसमें पानी भरना चाहिए। अगर शंख में पानी नहीं है तो घर में लक्ष्मी नहीं, शंख कभी खाली नहीं। तैतीस करोड़ देवी देवता में केवल एक भगवान शंकर हैं जिनके ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, केवल एक शिव शंकर के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकाचूर राक्षस को भगवान शिव ने मारा था और शंकाचूर राक्षस की हड्डी से शंख जाति का निर्माण हुआ था। इसलिए शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ता। शास्त्र कहता है जो भूल से भी शंख का जल शंकर को समर्पित कर देता है 1000 ब्राह्मण की हत्या के बराबर उसको दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शंकर को समर्पित नहीं। जिस व्यक्ति को नलियां चोक हो गई हो, डॉक्टर ने बोला बाईपास कराना पड़ेगा, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। सात बेर, बेर जानते हो क्या बोलते हैं यहाँ पर, बेर बोर, बेर बोलते हैं। सात बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो, सात बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सात बेर, उसमें से एक बेर सात बेर चढ़ाओ, एक बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति जिसने प्रत्येक हर महीने की शिवरात्रि पर सात बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। हमारा शिव दयालु